Hello friends and welcome back to another video from my YouTube channel that is Vipin Sharma Biology Tutorials and today we are learning about a very important topic from examination point of view जिसमें से एक ना एक question तो हमेशा पूछा जाता है in NEET as well as in JIPMER. So आज हम पढ़ने वाले हैं antibodies के बारे में. So सबसे पहले हमने कल बात की थी about the general structure of antibody. Antibody में दो तरीके की chains होती हैं जैसे कि diagram में यहाँ पे mention है. ये जो small chain है, this small chain, this is known as the light chain. और ये जो बड़ी वाली chain है, this is known as the heavy chain. So in a particular antibody which is proteinaceous in nature, यानी कि antibody क्या है? Amino acid की arrangement से बना हुआ protein है. तो ये जो proteinaceous nature है इसका antibody का, इसकी जो structure है कुछ इस type से, इसमें होगी एक light chain, एक heavy chain, then एक heavy chain, then एक light chain. तो इस particular arrangement को अगर हम heavy chain को बोले H और light chain को बोले L, so this particular arrangement is going to be like H2L2. H2 क्योंकि दो heavy chains हैं और L2 क्योंकि दो light chains हैं. So this is the general structure कि एक तो ये proteinaceous है because this is formed up of amino acids. दूसरी बात, इसमें दो तरीके की chains हैं, that is heavy chain and light chain, जो कि दो दो है number में, इसीलिए इसका general formula होता है H2L2. अब बात करते हैं different type of interactions की. We know very well कि amino acids में से कुछ amino acid होते हैं sulfur containing amino acid. ये question काफी बार पूछा जाता है और इसमें confusion भी काफी होती है. जो sulfur containing amino acid है that are cysteine and methionine. So methionine and cysteine are the two sulfur containing amino acids out of 20 amino acids. काफी बार option में आपको दे दिया जाएगा aims के questions में generally confuse करने के लिए cysteine. Cysteine जो है that is formed up of the combination of two cysteine molecules. दो सिस्टीन अमीनो एसिड जब कंबाइन करती हैं तो उनमें बॉन्डिंग होती है, उससे एक मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज सिस्टाइन. तो सिस्टाइन जो है जनरली नहीं लिया जाता, हालांकि इट इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, लेकिन उसको जनरली हम नहीं लेते इसमें. तो सिस्टाइन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ H2L2 के बारे में बात हो गई. दूसरी बात करते हैं कि अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नाम के थ्रू चलते हैं. सबसे पहले पहली बात, ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं कुछ कंपाउंड्स, उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स. और वो कंपाउंड्स कैसे हैं? कार्बन कंटेनिंग. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन लगा देंगे. सेकेंड चीज, हाइड्रोजन, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, सो हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा ही. देन नाम क्या है? अमीनो एसिड. अमीनो मतलब कि NH2 ग्रुप. अमीनो मतलब NH2, सिंपल. एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो सब जनरल वे में चल रहा है, हमने कुछ भी अभी तक अलग नहीं किया. कार्बन और हाइड्रोजन होते ही हैं, उसके अलावा नाम है अमीनो एसिड. तो हमने अमीनो लगा दिया, हमने एसिड लगा दिया. इसके ऊपर होता है एक जनरल आर ग्रुप. ये आर ग्रुप हर अमीनो एसिड में अलग अलग तरीके का होगा. तो अब हम यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर अमीनो एसिड. इसको ऐसे लिखना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि जनरली एन जो टर्मिनल रहता है दैट इज इन द लेफ्ट साइड. और जब इसको फिजियोलॉजिकल पीएच पे डाला जाएगा, जनरली एट द फिजियोलॉजिकल पीएच, यानी कि बॉडी के पीएच में, इट एग्जिस्ट एज एन ज्यूटर आयन. ये ज्यूटर आयन एक फॉर्म में रहता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव. ज्यूटेराइनिक फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई नेट चार्ज नहीं होता. एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज होके जीरो बना लिया इन्होंने, लेकिन ये चार्ज पीसेस जरूर होंगी. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का एट फिजियोलॉजिकल पीएच. उस पीएच पे दिस इज नोन एज द एन टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड एंड दिस इज नोन एज द सी टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड. एन क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप है और सी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ये यहां पे बताना ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन बताया इसलिए गया क्योंकि इन अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी हमने बात की है इज फॉर्मड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स का जो एन ग्रुप है वो इसमें यहां पर है और एन के बाद सी, देन एन सी, एन सी, ऐसे करके एन में जो सी है वो यहां पर है. दिस इज द सी टर्मिनल ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी, दिस इज द एन टर्मिनल और एन एंड ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी. तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, काफी लोगों को याद नहीं रहता कि एन और सी आखिर क्या है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि दिस इज अमीनो एसिड और इन अमीनो एसिड से ये एंटीबॉडी बनी है. तो एन और सी का मतलब यहाँ पे एन टर्मिनल से है और सी का मतलब सी टर्मिनल से है.
और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एंड टर्मिनल पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ये कुछ यहां पे साइट्स दिख रही हैं आपको, यहां पे ये कुछ साइट्स दिख रही हैं, दीज आर एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल। व्हेन एवर अ फॉरेन पार्टिकल एंटर्स आवर बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एग्जेजरेट हो जाएगा और उस पर अटैक कर देगा उस पर्टिकुलर एंटीजन पे। तो अगर ये एक पर्टिकुलर फॉरेन एंटीजन है तो ये जो है एंटीबॉडी जाके वहां पे बाइंड हो जाएगी और इसका लाइसिस कर देगी या फिर इसको किल करके जैसे भी हमारी बॉडी से इरेडिकेट कर देगी। सो दिस इज द पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। की एंटीबॉडी आखिर एक्शन कैसे करती है, कोई भी एंटीजन आया उसकी वजह से एंटीबॉडी एक्सेजरेट हो गई, उन्होंने क्या किया, एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि ऐसी साइट जो एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी। तो जाहिर सी बात है एंटीजन के साथ एंटीबॉडी वहां पे जाके बाइंड हो जाएगी, एक पर्टिकुलर जो इनकी बॉन्डिंग है वो होगी और उसके बाद एंटीजन को हमारी बॉडी से निकाल दिया जाएगा। तो दिस इज अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर। इसमें काफी तरीके की बॉन्डिंग्स भी होती है। पहली बात अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से टर्मिनल पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, तो एंड टर्मिनल पे होती है, क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा ये साइट्स एन। अगर याद ना हो तो एंटीजन ए एन, कहीं भी सी नहीं आता पूरे एंटीजन में, सिर्फ एन आता है। तो एंड टर्मिनल पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी। अब बात करते हैं बॉन्डिंग की। मोस्टली डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स होती है इनके अंदर, जो कि हम देख सकते हैं दिस इज एस 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 एस। दो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जब आसपास आ जाते हैं तो उनमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन जाते हैं और उन ब्रिजेस की वजह से ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज डाइसल्फाइड ब्रिज, ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये भी और ये भी, दीज आर कनेक्टिंग अ पर्टिकुलर चेन। तो ये कैसी हुई, इंट्रा चेन। इंट्रा मतलब एक ही चेन में, इंट्रा मतलब विद इन अ चेन, एंड इंटर मतलब बिटवीन टू चेन्स। दिस इज अ हैवी चेन एंड दिस इज ऑल्सो हैवी चेन। इन दोनों के बीच में इनको ज्वाइन करने वाली जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं दैट आर इंटर चेन, और ये एक हैवी चेन है, ये एक लाइट चेन है। इन दोनों के बीच में ये जो ब्रिज है दैट इज ऑल्सो इंटर ब्रिज, क्योंकि इनको दो चेन को जोड़ने का साथ में काम है इनका, इन पर्टिकुलर ब्रिजेस का। और अगर कोई ब्रिज सिर्फ एक ही चेन के अंदर काम कर रही है दैट इज इंट्रा, क्योंकि वो एक ही चेन के अंदर कनेक्शंस बना रही है। सो दिस इज अबाउट द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। काफी सारी चीजें थी इसमें नोट करने लायक, एंड टर्मिनल सी टर्मिनल, दिस इज अ प्रोटीनेशियस नेचर विच इज फॉर्मड अप ऑफ अमीनो एसिड। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के बारे में हमने जाना, H2L2 विच इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी, और ये एंटीजन पे कैसे रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। हमारी बॉडी में काफी टाइप्स है एंटीबॉडीज की, लेकिन जो मेन हम पढ़ते हैं दैट इज एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी जी एंड एंटीबॉडी एम। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके अंदर, तो किस टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी हर एंटीबॉडी में। इनके नाम में ही आंसर है ए, तो ए से क्या स्टार्ट होता है अल्फा, डी क्या स्टार्ट होता है डी से डेल्टा, ई से क्या स्टार्ट होता है एप्साइलन, जी से गामा एंड एम से म्यू। दीज आर द टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। अलग अलग एंटीबॉडीज में अलग अलग तरीके की थोड़ी चेन प्रेजेंट होती हैं, वो जो चेन्स प्रेजेंट होंगी वो इन टाइप की होंगी। नाम में ही आंसर है, जो एंटीबॉडी है उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन को बताएगा। अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पे जो स्टार्टिंग का जो मिल्क आता है दैट इज वेरी डेंस, और उसमें काफी सारी एंटीबॉडीज होती हैं। कहा जाता है कि वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बच्चे को आगे पूरे जन्म आगे मतलब कि जितनी जिंदगी वो जिएगा उसमें बीमारियों से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करती हैं। उसमें जो एंटीबॉडी होती है दैट इज एंटीबॉडी ए। हमें पैदा होते ही कोलेस्ट्रॉल मिल गया और सबसे पहला अल्फाबेट भी ए होता है, यानी कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंस है वो ए की है, तो जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल में क्या होगा एंटीबॉडी ए। दूसरी बात है इसे कहते हैं हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी। लगभग ऑल सिक्रीशंस ऑफ आवर बॉडी, यानी कि मोस्ट ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ आवर बॉडी, नियरली ऑल सिक्रीशंस ऑफ आवर बॉडी विल कंटेन एंटीबॉडी ए। इसके बाद बात करते हैं एंटीबॉडी डी की। एंटीबॉडी डी आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होती है जनरली। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आएगा, कोलेस्ट्रॉल में कौन सी प्रेजेंट रहती है एंटीबॉडी ए, विच वन इज द सिक्रेटरी एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए, आरबीसी के सरफेस पे कौन सी प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी डी। अगर आपको कोई एलर्जी है
या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, यानी कि एलर्जी और इन्फेक्शन के दौरान हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी रिलीज होगी दैट इज एंटीबॉडी ई। अब बात करते हैं जी की। एंटीबॉडी जी जो है इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जो कि क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ये जो एंटीबॉडी है इसके पास पावर है प्लेसेंटा को क्रॉस करने की, यानी कि जो प्लेसेंटा है जो कि एक कनेक्शन बनाता है बिटवीन मदर एंड बेबी, इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है एंटीबॉडी जी, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कोई और एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। सो अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग प्लेसेंटा, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटल वॉल, तो जाहिर सी बात है आंसर होगा एंटीबॉडी जी, क्योंकि ये वहां पर जाकर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बाय क्रॉसिंग प्लेसेंटा। उसके बाद जी जो है हमारे जो सीरम है, हमारा जो प्लाज्मा है, उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। जनरली सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो रहेगी वो किसकी रहेगी, एंटीबॉडी जी की। और जी की एक और खास बात है कि ये सबसे ज्यादा लाइटेस्ट होती है, लाइटेस्ट वेट जो है, यानी कि सबसे हल्की जो एंटीबॉडी है दैट इज एंटीबॉडी जी। अब बात करते हैं एंटीबॉडी एम की। एंटीबॉडी एम की एक खास बात है कि ये प्लाज्मा में पाया जाएगा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में, लेकिन जी से कम, क्योंकि अभी हमने सबसे ज्यादा पढ़ा कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी एंटीबॉडी जी की। उसके अलावा जो बात है कि एम एंटीबॉडी जो है दैट इज पेंटामर, और पेंटामर होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा हैवी है। अब आपको पेंटामर का मतलब बताता हूं। पेंटामर मतलब इट इज हैविंग 5 यूनिट्स, एक एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी, तीन एंटीबॉडी, चार और पांच। दिस पर्टिकुलर रिंग इज हैविंग 5 एंटीबॉडीज अटैच्ड टू इट। ये जो पांच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं ये अटैच हैं, तो दिस इज सिंगल यूनिट, और पांच यूनिट ऐसे होने के कारण हम IgM को कह रहे हैं पेंटामर, यानी कि पांच यूनिट्स। यहाँ पे एक चेन भी होती है जिसका नाम है जे चेन, जो कि सिंगल होती है, ये दो एंटीबॉडीज को अटैच करती है, दैट इज जे चेन। तो जे चेन है और ये पेंटामर है, और पेंटामर है जाहिर सी बात है कि इसमें पांच यूनिट है तो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट भी होगी। इसके बाद इनको लिखने का तरीका काफी बुक्स में आपको मिल जाएगा, दैट इज IgA, IgD, IgE। तो IG का मतलब रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन, I फॉर इम्यूनो एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलिन। सो इम्यूनोग्लोबुलिन जनरली एंटीबॉडीज को ही बोला जाता है। तो अगर आप कहीं पे IgA, IgG वगैरह देख लें तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटीबॉडीज इटसेल्फ। लेकिन उनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है और NCERT में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन की। जब भी हमारी बॉडी का कोई अनमोल ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, फॉर एग्जांपल हार्ट है, लिवर है, किडनीज है, या फिर आईज है, तो हमने जनरली सुना होगा ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस करने पड़ते हैं उनके, किसी और जो है इंडिविजुअल के वो पर्टिकुलर ऑर्गन लेके जो जिसका ऑर्गन खराब है उस इंडिविजुअल में डाला जाता है। तो उसमें डालने से क्या होता है कि काफी बार इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देने की जरूरत पड़ जाती है, और हर इंडिविजुअल का हम ऑर्गन ले भी नहीं सकते क्योंकि रिजेक्शन हो जाती है, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप अलग है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिश्यू टाइप अलग है। तो काफी सारी चीजें देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि आखिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल में डाला जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो है ट्विंस। अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस है और एक बीमार पड़ गया, एक का ऑर्गन खराब है, तो हम दूसरे आइडेंटिकल ट्विन का सबसे पहले ऑर्गन प्रेफर करेंगे। दूसरा हम करेंगे सिबलिंग्स का, सेकंड प्रायोरिटी। अगर कोई भाई बहन है तो हम उनका ऑर्गन दूसरे में डालने की कोशिश करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे पेरेंट्स का, जिनका हम ऑर्गन ले सकते हैं क्योंकि वो भी हमारी फैमिली से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे किसी और आदमी। तो अगर हमें अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी आइडेंटिकल ट्विन्स, उसके बाद सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, तीसरा पेरेंट्स या फिर जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं हमारे, या फिर फोर्थ उसके बाद जो बचे हुए लोग आ गए जिनसे हमें मजबूरी में ऑर्गन लेना पड़ता है वो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी और इंडिविजुअल का ऑर्गन हमारी बॉडी में डालने की कोशिश करते हैं तो जो ग्राफ्ट है उसका रिजेक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी उसे अपने अंदर नहीं लेती बल्कि उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि दीज आर फॉरेन पार्टिकल्स, क्योंकि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ ऑर्गन में फर्क करना जानती है, उसे पता है कि कौन सा ऑर्गन हमारा है और कौन सा किसी और का है। इसलिए कोशिश की जाती है कि सेम ब्लड ग्रुप या फिर सेम तरीके का जो ऑर्गन है वो डाला जाए जिससे कि रिजेक्शन के चांसेस सबसे कम हो। उसके बाद अगर कैसे ना कैसे ऑर्गन डाल भी दिया जाता है तो उसके बाद कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं दैट आर इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट,
यानी कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन ए या फिर कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी। साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसके बारे में पूरा पढ़ा था। इस तरीके के कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा उस ऑर्गन से काम चला सकें अपनी बॉडी में। सो दिस इज अबाउट एंटीबॉडी ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ग्राफ्ट रिजेक्शन जनरली होता किसकी वजह से है? टी सेल्स की वजह से। कल हमने पढ़ा था अबाउट बी सेल एंड टी सेल। टी सेल की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल कौन सी दे रही थी? ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। टी सेल की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, दैट इज जनरली द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसकी वजह से कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जो किसी और इंडिविजुअल का है, वो हमारी बॉडी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबॉडीज। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ रैंडम टॉपिक्स की, क्योंकि काफी सारी रिक्वेस्ट इकट्ठी हो चुकी हैं और ये टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम रैंडम टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन अपकमिंग लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेक्चर्स फ्रॉम विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन हिट लाइक बटन, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, शेयर कीजिए दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।